सरकार की नवी हदबंदी के विरोध में भाजपा पूरी तरह आक्रामक हो गई है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा दफ्तर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिस विच बोलदिया होया जिला भाजपा प्रधान एडवोकेट राजेश हनी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने दो महीनों में बिना तैयारी के हदबंदी की है, जिड़ी कि सरासर गलत हुई है। मैं इस हदबंदी अमृतसर की जनता के नाल और कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतांत्रिक राइट्स के नाल धक्का मनना कि तुसी जड़िया नोटिफिकेशन 85 करन असे ड्रॉ किया से जड़िया कंडीशन तुसी ड्रॉ कीतिया सी कि 10,000 तो 13,000 की वार्ड होगी, 4,000 की जिथे पापूलेशन है असी उस पापूलेशन एससी पापूलेशन एससी वार्ड करांगे, एससीआं नूं उन्हां दा मिलदा अधिकार देंगे और किरे सीकुएंस नहीं टुटेगी। ये सारे मापदंड साइड पर रख के कांग्रेस के विधायकों की कोठियां च उन्होंने जिहड़े लोग बैठे ने उन्होंने केंद्र बिंदु रख के नक्शे दीयां लाइनां पाईयां जा रही हैं, जिथे 2,000 की वार्ड एक बनाती है, एक 20,000 की वार्ड बनाती, जिथे कड़ी जिहड़ी वार्ड कल एससी सी उन्हें अज जनरल करता, जिहड़ी जनरल सी उन्हें एससी करता, क्या उत्थों दी 4,000 की पापूलेशन जो तुसीं एससी कीता सी उह पलायन कर गई है, या जिहड़ी नवीं वार्ड नूं तुसीं एससी कीता है उत्थे 4,000 लोग आके वस गए ने। अमृतसर तों गुरसेवक दे नाल नविंदर पाल सिंह चमक, चैनल 2।